हेलो वेलकम एवरीवन आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने वेबसाइट का न्यू डिज़ाइन इंप्लीमेंट किया है उसके लिए पहले ये दिस इज़ द ओल्ड वर्जन जो वेबसाइट पहले थी वो इस वे में थी यहाँ पे हमारे पास जो नेविगेशन्स थी मतलब कि जो आपका ओवरऑल जो व्यू था ओल्ड ओल्ड वेबसाइट का वो इस तरीके से था यहाँ आपके स्कूल हाईलाइट्स थे स्लाइडर्स थे स्लाइडर्स का साइज़ बहुत बड़ा था जो स्कूल ओ यूज़ करते थे ओ का यहाँ आता था हमारे पास यहाँ पे स्कूल uh, मैसेज थे ये अबाउट स्कूल और प्रिंसिपल मैसेज जैसे शो होता था नोटिस बोर्ड आपका इस वे में था आपका बर्थडे सेक्शन था इवेंट्स थे अचीवमेंट सोशल अवेयरनेस फोटो गैलरी जो साइज है फोटोज का इन फोटो गैलरी वो थोड़ा छोटा था द फोटो पार्ट नाउ वी इम्प्लीमेंटेड द न्यू डिज़ाइन फॉर द सेम एंड जो वेबसाइट uh, को शिफ्ट होने के बाद अब जो न्यू डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास आ, न्यू डिज़ाइन आया है उसमें ये जो आपके नेविगेशन है ये इस टाइप से फॉर्म हो गए हैं फोटो स्लाइडर्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है और नोटिस बोर्ड उसके साथ में दिया है आपको एंड ये ये स्कूल ओवरव्यू या फिर स्कूल हाइलाइट्स हैं देन आपके पास आता है यहाँ पे आपके जो मैसेजेस है मैसेज आपका एक अबाउट आर स्कूल का है एंड देन प्रिंसिपल मैसेज है आप चाहें तो यहाँ पे इसके अलावा कोई और मैसेज भी रख सकते हैं लाइक आपका प्रेसिडेंट मैसेज जेविंस मैसेज बट नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं प्रेफर यही करते हैं कि वो अबाउट स्कूल एंड द प्रिंसिपल मैसेज को भी शो करें ये जो आपका ओ वाला लॉग है ये जो सी कैटेगरी की वेबसाइट है उनमें होता है इसमें भी आपके पास ये पिक्चर के लिए ये वाला सेक्शन दिया गया है ये पिक्चर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन जो यहाँ पे मैसेज आता है वो मैसेज हमारे साइड से होगा मतलब हम हैड ऑफिस के साइड से होगा और ये जो पिक्चर है ये पिक्चर आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं देन इज द इनसाइड स्कूल इनसाइड स्कूल में जो आपका पहले इवेंट्स और अचीवमेंट्स और सोशल अवेयरनेस थे वो पहले आपको अलग अलग आ रहे थे अब आप वो आपको इस तरीके से आते हैं कि जब आप इवेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे तीन इवेंट्स जो भी आपके लेटेस्ट थ्री इवेंट्स होंगे आपको वो शो करेंगे देन द अचीवमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास थ्री अचीवमेंट्स शो करती हैं देन द सोशल अवेयरनेस ठीक है अब अगर आप इवेंट्स पे जाते हो मान लो आपने इनमें से किसी के भी बारे में आपने पढ़ना है जैसे आप इसको रेड रेडमोर्क करोगे तो ये आपका अंदर पेज ओपन करता है सी एम एस पेज जिसमें आपके पास कंप्लीट डिटेल आती है जो भी आपके इवेंट्स फॉर्म हुए होंगे ठीक है देन आपके इसके बाद जो है हमारा बर्थडे कॉलम है जो बर्थडे सेक्शन है ये भी आपका सी कैटेगरी में आएगा यहाँ पे आप चाहे तो बच्चों की फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हैं उसके लिए एक अलग मेथड है वो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ तो यहाँ पे आपका बर्थडे कॉलम है ये आपका स्क्रॉल डाउन होता रहता है ये धीरे धीरे मूव करता है अब जो फ़ोटो गैलरी है जो पहले वाली फ़ोटो गैलरी थी उसमें आपके पिक्चर्स बहुत छोटे आते थे जो इजीली विजिबल नहीं थी अब आप उनको इजीली देख सकते हैं इनका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है अगर आपके थ्री पिक्चर्स होगी तो वो आपके फिक्स रहती हैं अगर आप तीन से ज़्यादा पिक्चर्स को अपलोड करते हो एट होम पेज तो ये आपका कॉन्टीन्यूसली मूव करता है ठीक है ये आपका दिन द फोटो फोटो सेक्शन है इसमें आपके पास क्विक लिंक्स है कॉन्टैक्टस इंफॉर्मेशन है स्कूल की और साथ में जो इसमें न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है न्यू इम्प्लीमेंट ये है इसमें कि आपके सोशल मीडिया के आइकॉन्स आ गए हैं साथ में आपके पास यहाँ पे विजिटर काउंटर है कि आपके टोटली totally कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आए हैं ओके देन ये हमारी टेस्ट वेबसाइट है जो हमने स्कूल्स को डेमो के लिए फॉर्म की है कि आ, ऐसे आप एक अपनी वेबसाइट को फॉर्म कर सकते हैं तो ये अब अब ये जो वेबसाइट है इसको इस तरीके से फॉर्म करने के लिए आपको करना क्या है तो उसके लिए मैं आपको वैकेंड से आपको सारा कुछ वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ कि पहले आपको जो नेविगेशन है ये जो आपका पार्ट आता है ये आपका नेविगेशन पार्ट होता है इस नेविगेशन पार्ट में जो ये आपका टॉप है ये मेन्यू है इस मेन्यू के अंडर आपके सब मेन्यूज़ आते हैं ठीक है थीके? अब जो आपके मेन्यूज़ है जो आपका मेन मेन्यू है मोस्टली हम उसको नॉन क्लिकेबल रखते हैं उसमें हम कोई भी डाटा नहीं रखते हैं इन इस मेन मेन्यू के अंदर जो सब मेन्यूज होते हैं उन सब मेन्यूज को हम क्लिकेबल रखते हैं और उसमें हम अपना डाटा रखते हैं डाटा के लिए हम क्या करते हैं सीएमएस पेजेस को फॉर्म करते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे वेबसाइट को जब आपने लॉगिन करना है अपनी वेबसाइट पे तो आप अपना जो यूजर लोगो उसको लेंगे उसके साथ आप लॉगिन करेंगे उसको जो आपकी भी वेबसाइट होगी उसमें आप लॉग इन डॉट ए ए एस पी एक्स को लॉग इन करते हैं यहाँ पे आप अपना यूजर आई डी और पासवर्ड एंटर करेंगे इसको लॉग इन करेंगे जैसे ही आप इसको लॉग इन करते हो ये आपका एक डैशबोर्ड ओपन होता है इस डैशबोर्ड में सबसे पहले आपके पास आता है न्यू नेविगेशन अभी जो न्यू नेविगेशन है ये फॉर्म जो होती है ये आपको कहाँ पे शो करती है तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने फॉर्म करनी कैसे है तो आप न्यू नेविगेशन पे दिस वन देखें ये जो आपके न्यू नेविगेशन है इसको आपने फॉर्म कैसे करना है तो आप क्या करेंगे न्यू नेविगेशन पे क्लिक करेंगे न्यू नेविगेशन पे क्लिक करते ही आपके पास ये वाला एक विंडो ओपन होता है यहाँ पे आप क्या करेंगे टाइटल देंगे तो मैं आपको फिलहाल जो टाइटल दे रही हूँ वो मैं एक एज एजा टेस्ट टाइटल दे रही हूँ और आप ये ध्यान रखेंगे जो आपका मेन मेन्यू होगा मेन मेन्यू को आप कैपिटल लेटर्स में ही रखेंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टॉप जब हम टॉप सिलेक्ट करते हैं ना उससे क्या होता है कि वो जो आपका मेन्यू होगा वो आपके होम पेज पर विजिबल होगा ठीक है अगर आप उसको इंटरनल लिंक करते हो इंटरनल लिंक करने से क्या होगा कि जो भी आप उसमें लिंक लगाओगे वो उससे वो आपका जो मेन मेन्यू है वो होम पेज पे कहीं भी शो नहीं करेगा बस ये हुआ वो आपके पास सेव्ड रहेगा बट वो आपका होम पेज पे शो नहीं करेगा तो मोस्ट हमने क्या करना है पोजीशन को ऑलवेज टॉप सेलेक्ट करना है जब वो आपका मेन मेन्यू है ने? तो उसमें आपको कोई भी पेरेंट मेन्यू चूज करने की जरूरत नहीं है अब जो उसका नेविगेशन टाइप है उसको या तो हम कंटेंट रखते हैं यू रखते हैं या फिर नॉन क्लिकेबल रखते हैं ठीक है जो आपका ये मेन है जो आप चाहते हो कि एज आ हेडिंग शो नेविगेशन बार पर तो हम उसको क्या रखेंगे नॉन क्लिकेबल रखेंगे जैसे वो नॉन क्लिकेबल आप उसको सिलेक्ट करते हो देन जो उसका मेन्यू टारगेट है उसको या तो सेल्फ या फिर ब्लैंक सेल्फ अगर आप चूज़ करते हो तो वो आपका सेम विंडो पे ओपन होता है और अगर आप उसको ब्लैंक चूज करते हो तो ब्लैंक से वो आपका न्यू टैब पे जाकर ओपन होता है लेकिन जो हमारा ये बटन है ये अभी नॉन क्लिकेबल है तो इसको हम सेल्फ चूज़ करके क्रिएट करेंगे जैसे आप इसको क्रिएट करते हो आपके पास एक पॉपअप आता है दैट नेविगेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली नाउ आप अगेन क्या करेंगे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे अपनी वेबसाइट को आप एक बार रिफ्रेश करेंगे जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश होने के बाद आपके पास यहाँ पर ये देखिए ये वाला पार्ट है जो ये जो भी आप जो आपने न्यू मेन्यू बनाया था वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा ठीक है थेके? अभी ये नॉन क्लिकेबल है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है देन अगेन हम इस वेबसाइट के बैकेंड पे जाएंगे अगेन अब हमने क्या करना है एक न्यू नेविगेशन बनानी है जो हमने ये न्यू टेस्ट मेन्यू बनाया है हम इसके अंडर हमें क्या करना चाहते हैं एक, एक सब मेन्यू फॉर्म करेंगे उस सब मेन्यू का नाम हम रख लेते हैं टेस्ट वन ठीक है इस टेस्ट की भी पोजिशन को आप टॉप रखेंगे अब यहाँ पे आप क्या करेंगे पेरेंट मेन्यू सेलेक्ट करेंगे क्यों क्योंकि ये जो पेरेंट मेन्यू है इसी के अंडर आपका ये टेस्ट वाला सब मेन्यू शो करेगा तो जो ये आपका ये है आपने इसको टेस्ट के अंडर देन आपने जो सब मेन्यू फॉर्म करना है फॉर एग्जाम्पल हम उसका नाम रखते हैं टेस्ट वन अब हम चाहते हैं कि ये हमें टॉप पे दिखे क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारा होम पेज है उस हमारे होम पेज पे ये शो करे तो इसका अब हमें क्या है ये हमारे एक सब मेन्यू है तो ऑब्वियसली ये किसी पेरेंट मेन्यू के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ से हम अपना पेरेंट मेन्यू सिलेक्ट करेंगे वो है हमारा टेस्ट देन अब हमारे पास जो सब मैन्यू है उसके लिए दो ऑप्शन है एक कि हम उसको उसमें कंटेंट ऐड करना चाहते हैं या हम उसमें यू आर एल एड ऐड करना चाहते हैं ठीक है ठीके? अगर हम उसमें कंटेंट ऐड करना चाहते तो आप कंटेंट सेलेक्ट करोगे कंटेंट जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो आप उसका सेम उसके सेम विंडो रख सकते हो तो उसको हम सेल्फ पे करेंगे और उसको हम क्रिएट कर देंगे ठीक है जैसे हम इसको क्रिएट करते हैं ये क्रिएट हो जाएगा देन हम क्या करेंगे अपने वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे जैसे वो रिफ्रेश होता है पेज तो आप टेस्ट पे आओगे टेस्ट के बाद आप टेस्ट वन पे जाओगे ठीक है जैसे टेस्ट वन पे जाओगे ये जो बनता है ये आपका सी एम एस पेज फॉर्म यू है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि आपने सी एम एस पेज में जो कंटेंट ऐड करना है वो आप कैसे ऐड करेंगे लेकिन अभी फिलहाल जैसे आप क्या करते हो नेविगेशन में कंटेंट करते हो सिलेक्ट तो आपके पास यहाँ पे वो क्या होगा एज अ सी एम एस पेज ओपन होता है ठीक है देन अगेन ऑन द बैक एंड अब अगर हम एक और बनाते हैं यहाँ पर लाइक उसको हम नेविगेशन देते हैं टेस्ट टू जो टेस्ट टू है टेस्ट टू को भी हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं वो भी हमारा आ, होम पेज पे शो करे उसके भी हम क्या कर रहे हैं पोजीशन को टॉप रखेंगे पेरेंट मेन्यू उसका भी हम क्या रखेंगे टेस्ट रखेंगे हम चाहते हैं टेस्ट टू भी टेस्ट के अंडर शो करे ठीक है लेकिन इसमें हम जो नेविगेशन टाइप रखना चाहते हैं उस नेविगेशन टाइप को हम यू आर एल रखेंगे ये इसको अगर हम यू आर एल रख रहे हैं तो आपने क्या करना है यहाँ पे एक यू आर एल टाइप करना है या फिर पेस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इसी वेबसाइट का जो यू आर एल है इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ ठीक है हमने एक यू आर एल दे दिया है यहाँ पर इसको हम डन कर देंगे जैसे मैं इस पर यू आर एल देती हूँ अब मैंने यहाँ पर क्या किया है एक लिंक अटैच किया है तो इसके लिए जो हम टारगेट है टारगेट हम ब्लैंक रखेंगे अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको ब्लैंक क्यों रख रहे हैं ठीक है देन आप हम इसको क्रिएट करेंगे अगर आप इसको सेल्फ रखते हैं तो जब ये ओपन करेगा तो जैसे सी एम एस पेज अभी आपका आ, लास्ट वाले जो सब मेन्यू का जो पेज था वो सेम विंडो पे ओपन हुआ था अगर आप यू आर एल को भी सेल्फ पे रखते हो वो भी सेम विंडो पे ओपन करेगा ठीक है और अगर वो सेम विंडो पे ओपन करेगा जैसे आप उस लिंक को रेड कर लोगे उस पर अपना वर्क कर लोगे आप उसको क्लोज करोगे आपकी वेबसाइट भी साथ ही क्लोज हो जाएगी इसलिए हम क्या करते हैं यू के लिए जो टारगेट है उसको ब्लैंक सिलेक्ट करते हैं और उसको क्रिएट कर देते हैं जैसे आप इसे क्रिएट करेंगे अगेन हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे जैसे ही वो रिफ्रेश होगी हमारे पास यहाँ पे टेस्ट टेस्ट के अंदर टेस्ट वन और टेस्ट टू आ गया तो जो हमारा टेस्ट टू है इसमें आपका हो गया था लिंक लगा था तो ये लिंक लगा है तो हमारी जो वेबसाइट है वो एक और न्यू टैब पे ओपन हो गई है ठीक है अगर मैं इसमें इसको ब्लैक ना करती तो ये सेम पे ही ओपन होती है और जैसे ही मैं इसको क्लोज करती हमारी वेबसाइट भी क्लोज हो जाती लेकिन अभी हमारी वेबसाइट ओपन ही है ओके देन अब ये तो था कि अगर आपने कुछ न्यू फॉर्म करने हैं तो आप उनको कैसे फॉर्म करेंगे आपका कैसे मेन्यू बनता है कैसे आपका सब मेन्यू बनता है बट अगर आपके पास कोई पहले से ही नेविगेशन फॉर्म है लाइक आपके पास मान लो यहाँ पे अबाउट स्कूल है अबाउट अबाउट अस में अबाउट स्कूल है आप इस अबाउट स्कूल के पेज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर इसकी नेविगेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसकी नेविगेशन में आप कैसे चेंजेस करेंगे उसके लिए आप जाएंगे एडिट नेविगेशन पे जैसे आप एडिट नेविगेशन पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे साइड में एक ड्रॉपडाउन आता है यहाँ से आपने क्या करना है अपना मेन्यूज सिलेक्ट करना है हमें क्या चाहिए अस चाहिए ठीक है अस में हमें क्या चाहिए जो हमारा अबाउटस है जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं अबाउटस हमारा टॉप पर है ठीक है अब इसमें है हमारा क्या एक यू आर एल लगा है हो सकता है कि अब हमें इस यू आर एल की ज़रूरत नहीं है हम हम यहाँ पर कंटेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे इसको यू आर एल की जगह कंटेंट सेलेक्ट कर लोगे या फिर आपके पास पहले इसमें कंटेंट था आप इसमें यू आर एल लगाना चाहते हो तो आप इसको यू आर एल सेलेक्ट कर लोगे ठीक है एंड देन या आप इसका मैं टारगेट चेंज करना चाहते हो सेल्फ से ब्लैंक या फिर ब्लैंक से सेल्फ करना चाहते हो उसको यहाँ से चेंज करोगे उसका ऑर्डर सेट करोगे एंड देन जब भी आप एडिट करोगे एडिट में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं एक अपडेट का ऑप्शन आता, आता है और एक डिलीट का ऑप्शन आता है अपडेट करोगे तो जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो वहाँ पर अपडेट हो जाएंगे और अगर यहाँ से आप डिलीट करते हो तो आपकी जो नेविगेशन है वो डिलीट हो जाती है ठीक है तो आप इसको अपडेट करेंगे और आपकी जो नेविगेशन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी ओके देन थर्ड थिंग द सी एम एस पेज सी एम एस पेजेस जो आपके सबसे मेन है इसमें वो आपने कैसे फॉर्म करने हैं अब जो सी एम एस पेज है उसके लिए भी यहाँ से मैं आपको बताती हूँ जैसे ये हमने टेस्ट वन बनाया था टेस्ट वन जो हमारा पेज था ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड करना है तो वो कंटेंट आप कहाँ से ऐड करोगे वो कंटेंट आप ऐड करोगे थ्रू द सी एम एस पेज अगर आप कोई न्यू सी एम एस पेज बनाओगे तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में शो करेगा लाइक दिस हमारा है ये टेस्ट वन हमने टेस्ट वन को सिलेक्ट किया और मैं इस पेज का टाइटल देना चाहती हूँ गर्ल्स जुडो या कुछ भी या फिर मैं इसको टेस्टिंग भी दे देती हूँ मैंने इसको टेस्टिंग दे दिया ठीक है अब जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये कि आप यहाँ पर कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे मतलब कि आप किसी भी गूगल की साइट से जैसा आपको मान लो कोई कंटेंट है आप यहाँ पर ये ये आपका हर एक के लिए अपलीकेबल करेगा आप चाहे इवेंट क्रिएट कर रहे हो आप अचीवमेंट कर रहे हो आप सोशल अवेयरनेस का कोई टॉपिक क्रिएट कर रहे हो या फिर आप प्रिंसिपल मैसेज बना रहे हो स्कूल मैसेज क्रिएट कर रहे हो या किसी भी सी पेज का कंटेंट फॉर्म कर रहे हो तो उस सब के लिए ये रहेगा कि आप किसी भी गूगल साइट से या किसी भी साइट से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं करोगे अगर आप करते हो तो होता क्या है जैसे मान लो मेरे पास ये साइट है ठीक है यहाँ से मुझे ये वाला कंटेंट चाहिए था तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं कॉपी करके जैसे ही अपने सी पेज के कंटेंट में मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पेस्ट करती हूँ उससे क्या होता है ये देखिए इसके सोर्स में यहाँ पर क्या हुआ इसने इसका एस टी एम एल कोड एज इट इज़ उठा लिया जिसमें आपके पास स्टाइल भी आ गया है ठीक है मार्जिनस ले लिए उसने उसकी आउटलाइन ले ली है कंप्लीट जो पूरा फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर एवरीथिंग उसने पूरा का पूरा एस टी एम एल कोड उसका कॉपी कर लिया है ठीक है और अगर यही सेम चीज़ आप क्या करते हो यहाँ से इसको पहले आपने वहां से अपना कॉपी किया कॉपी करने के बाद आप उसको नोट पैड पर लेते हो जैसे आप उसको नोट पैड पर पहले कॉपी करते हो नोट पैड पर कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इसको जब दोबारा नोट पैड से कॉपी करके अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हो अब आप अगर इसका सोर्स कोड देखेंगे तो यहाँ पर अब इसमें कोई भी एच कोड नहीं आया इसने इसको एज अ नॉर्मल टेक्स्ट लिया है ठीक है तो आपका कुछ भी कंटेंट है वो जो भी आपका कंटेंट होगा उसे आप क्या करेंगे पहले नोट पे कॉपी करेंगे नोट नोट से आप उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अदरवाइज सबसे जो ईजी हिस्ट्री है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर उसे टाइप कीजिए अब इस कंटेंट में भी अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज कैसे लगाएंगे आप यहाँ पर ही आपके पास ऑप्शन है इमेज का आप इसमें इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने क्या करना इमेज का यूआरएल पेस्ट करेंगे आप पूरे इमेज का पाथ देंगे अब वो इमेज का पाथ अब आप आपको कहाँ से मिलेगा तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर फाइल मैनेजर आप क्या करते हैं आपकी जो भी फाइल होगी उसे पहले फ़ाइल मैनेजर में अपलोड करेंगे जब आप उसे फाइल मैनेजर में अपलोड कर देते हो तो आपके पास फाइल पहले से अवेलेबल होगी आपने सिर्फ क्या करना है इमेज पर क्लिक करना है फाइल मैनेजर से पाथ को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है इन लाइक आपने क्या किया इसको मैं फ़ाइल मैनेजर को मैं एक न्यू टैब में ओपन करके रखती हूँ ठीक है मैं फाइल मैनेजर से क्या कर रही हूँ मुझे एक फ़ोटो चाहिए थी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मुझे ये फ़ोटो चाहिए थी मैंने इस फ़ोटो को यहाँ से कॉपी किया और मैं इसे जैसे मैं इसे कॉपी करती हूँ मैं अपने सी एम एस पेज पर जाती हूँ यहाँ से इमेज लेती हूँ इमेज के यू आर एल में मैं उसका इमेज का यू आर एल कॉपी करती हूँ अब मेन चीज़ है कि मुझे इसकी हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है अब इलेवन हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड एंड टेन है तो इतनी ज़्यादा वर्थ मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करती हूँ मैं इसको इलेवन हंड्रेड से फ़ाइव हंड्रेड पर कर देती हूँ जो जैसे मैं इसको फाइव हंड्रेड करती हूँ हाइट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है ठीक है ऑटो चेंज दैन मैं इसको ओके okay कर देती हूँ जैसे मैं इसे ओके okay करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी कि आपका कंटेंट है जो वो कैसे शो करेगा उसी के साथ अब अगर मुझे यहाँ पर कोई यू भी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक uh, मान लो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे क्लिक करें जिससे आप यहाँ पे आ, इस टॉपिक को कंप्लीटली रीड कर सको तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बटन बना देंगे क्लिक हेयर टू व्यू ठीक है अब ये जो क्लिक हेयर टू व्यू है इसको मैं क्या करूँगी इसको मैंने सिलेक्ट किया थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ठीक है और इसका जो फॉन्ट है आ, इसको बोल्ड कर दिया इटैलिक कर दिया ठीक है इसको मैंने सिलेक्ट किया इसके सिलेक्टेड ऑप्शन में ही मैं लिंक ओपन करूँगी लिंक को यहाँ पर पेस्ट करूँगी ठीक है अभी भी ये इमेज का ही लिंक हो गया है पेस्ट बट आप जो इसमें चाहते हैं जैसे हमने पहले वेबसाइट का लिंक दिया था तो हम इसमें वो वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर वेबसाइट का लिंक लेती हूँ और मैं यहाँ वेबसाइट का लिंक कॉपी करती हूँ तो उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ है जब भी आप यूआरएल लगाएंगे किसी भी फाइल का फोल्डर का तो आप उसका जो टारगेट है वो हमेशा सेट करेंगे टू द न्यू विंडो रीज़न सेम है कि जो भी आपका यू है जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो तो वो जो भी आपका फाइल होगा या फिर जो आपकी उसमें आपकी फाइल होगी या फिर कोई पी होगा वो आपका एक न्यू टैब पर जाकर ओपन होगा ठीक है जैसे आपकी जब आप उसको क्लोज़ करते भी हैं तो आपकी वेबसाइट क्लोज़ नहीं होगी तो आप इसको ओके okay करेंगे इसको ओके okay करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे इसे पब्लिश कर देंगे जब आप इसे पब्लिश करते हैं पेज योर पेज पब्लिश सक्सेसफुली अगेन हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट में जाकर इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका वेब जो आपका पेज है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे आपकी भी फोटोग्राफ आ गई है साथ में आपका कंटेंट आ गया और क्लिक हेयर टू व्यू का बटन भी आ गया जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास वेबसाइट ओपन हो रही है बट अ न्यू टैब ठीक है अब आप अगर इसे क्लोज करते भी हैं तो आपका आपकी वेबसाइट एज इट इज वहीं पर ओपन रहेगी ओके नेक्स्ट इज आपके सी एम एस पेज अब हो सकता है ये तो हमने न्यू सी एम एस पेज फॉर्म करना था हो सकता है कि कोई सी एम एस पेज आपका पहले से फॉर्मड है लाइक अबाउट अस में अबाउट स्कूल का जो पेज है ये आपके पास पहले से फॉर्मड है अब आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं जैसे हो सकता है कि इसको काफी टाइम हो गया आपने अपडेट नहीं किया है आपके प्रिंसिपल चेंज हुए हैं यहाँ पे स्कूल में कुछ न्यू एडिशन हुई हैं तो वो सब आप उसमें ऐड करना ऊपर में जाते हैं अब यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे आपको किस पेज को एडिट करना है लाइक मुझे अबाउट अस को एडिट करना है अबाउट अस में मुझे अबाउट स्कूल को एडिट करना है तो मैं अबाउट स्कूल के इस एडिट वाले पोशन पे क्लिक करती हूँ जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी हमारे पास ये देखिए इसका पेज का टाइटल एंड देन उसका कंटेंट आ जाता है अब इस कंटेंट को अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो स्कूल नेम है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है तो मैं इसको बोल्ड करना चाहती हूँ ठीक है अब ये कहाँ पर है ये दिल्ली में है तो मैं इसको भी चाहती हूँ ये भी थोड़ा सा बोल्ड रहे और कौन कौन से क्लासेस के लिए है तो जैसे नर्सरी टू ट्वेल्थ है तो मैंने इसे इस भी क्या कर दिया बोल्ड कर दिया सिर्फ यही मुझे थोड़े से इसमें पेज में चेंजेस करने थे तो ये चेंजेस के बाद और या फिर हो सकता है कि अभी यहाँ पर हमारी कोई भी पिक्चर लगी नहीं थी और मैं यहाँ पर कोई पिक्चर लगाना चाहती हूँ स्कूल की तो मैं अगेन इमेज पे जाऊँगी इमेज पे हमें क्या करना है ज्वेरल करना है तो अगेन मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन करूँगी फाइल मैनेजर में मैं देखूँगी कि मुझे क्या चाहिए थी एक फोटोग्राफ चाहिए थी अब जो फोटोग्राफ है उसको हमें देखना होगा कि वो क्या हो हमारी एक इमेज हो ठीक है अब मुझे स्कूल की इमेज चाहिए है तो हम अपने फाइल मैनेजर में उसे फाइंड uh, आउट करेंगे कि हमारी जो फाइल है अबाउट स्कूल की जो फाइल है वो कहाँ है और हम उसे क्या करें उसका जो यू है या फिर जो उसका पाथ है पूरा वहाँ से कॉपी कर लेंगे ठीक है लाइक अब भी जो हमारे पास ये मैसेज है ठीक है अब मैं हो मैं क्या कर रही हूँ इसे कॉपी कर रही हूँ यहाँ से कॉपी करके मैं अगेन यहाँ आती हूँ इमेज पे यू आर एल उसका पेस्ट करती हूँ अगेन जो विर्थ है ठीक है अब ये जो प्रिंसिपल की फोटोग्राफ है विद बताइए स्कूल में अबाउट स्कूल में तो हमें क्या करेंगे इसे हम चाहते हैं कि हम इसकी वर्थ इसकी हाइट और वर्थ को चेंज करें तो मैं इसके वर्थ को चेंज कर कर देती हूँ यहाँ से लाइक थ्री नाइन्टी फाइव कर देती हूँ ठीक है तो जिसकी हाइट होगी अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी इसको हम ओके okay कर देंगे इसको हम जैसे ही ओके okay करेंगे तो ये आपके यहाँ पे इमेज लग जाएगी और नीचे आपके रिलेटेड टू स्कूल आपका कंटेंट आ जाएगा और आप इसे पब्लिश कर देंगे ठीक है जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे अगेन आप क्या करेंगे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे जैसे ही आप उसे रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर ये अबाउट स्कूल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो भी आपने चेंजेस किए थे वो चेंजेस आपके हो चुके हैं ठीक है देन नेक्स्ट इज़ द मैसेज अब आप मैसेज जो है वो कैसे लगाएंगे ये जो मैसेज वाला पार्ट है ये आपका होम पेज पे कहाँ शो करता है तो जब आप वेबसाइट के होम पेज पे होंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये है आपका मैसेज वाला पार्ट ठीक है यहाँ से आपके यहाँ पे जो मैसेज है वो आप किसी का भी रख सकते हैं वैसे जो मोस्टली है वो अबाउट स्कूल और प्रिंसिपल मैसेज होता है लेकिन आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो लेकिन हम अभी हम जो चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ कोई भी दो मैसेजेस होंगे जैसे जो पुरानी वेबसाइट थी उस पर यहाँ पर तीन से चार मैसेजेस भी लग जाते थे लेकिन अब जो डिज़ाइन है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने ये फिक्स किया है कि यहाँ पर आपके कोई भी दो मैसेजेस ही शो करेंगे तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पे कौन से दो मैसेजेस शो करना चाहते हैं अब ये मैसेजेस फॉर्म कैसे करने हैं उसके लिए आप क्या करेंगे मैसेज पे जाएंगे मैसेज अगर आपने न्यू क्रिएट करना है न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप जिसका मैसेज होगा लाइक आपका प्रिंसिपल का मैसेज है तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे जो भी मैसेज होगा वो सारा कंटेंट यहाँ पर राइट करेंगे अगेन आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट अगर आपको कॉपी पेस्ट करना भी है तो आप पहले नोट पैड पर उसे लिखेंगे नोट पैड से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं अगर कोई फाइल इमेज अटैच करनी है तो इस कॉलम से उसकी इमेज को अटैच करेंगे कोई लिंक लगाना है तो यहाँ पर ये यह जो ऑप्शन है लिंक का यहाँ से आप उसमें लिंक लगाएंगे एंड अगर चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट चूज डायरेक्ट फोटो भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपके सिस्टम में फोटोग्राफ अवेलेबल होने चाहिए वहाँ से आप डायरेक्ट फाइल को चूज करेंगे एंड देन आप अपने मैसेज को सीक्वेंस देंगे कि जो मैसेज है वो नंबर वन पे आना चाहिए या फिर नंबर टू पे आना चाहिए सीक्वेंस दे आप उसे पब्लिश कर देंगे अभी हमारे पास क्या है ये दोनों मैसेजेस फॉर्म्ड हैं अबाउट स्कूल भी और अबाउट और प्रिंसिपल्स मैसेज भी ठीक है न्यू क्रिएट करना है कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया अब अगर कोई क्रिएटेड है उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे इसे एडिट करेंगे तो जैसे ही आप इसे एडिट पे क्लिक करते हैं आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड आती है ठीक है और जब भी आप क्या करेंगे अपनी वेबसाइट पे अगर आप मैसेज को अपडेट करना चाहते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप ये जो रेड मोर वाला बटन है इसको डिलीट नहीं करेंगे आप सिर्फ अपने अब सिर्फ अपने कंटेंट को ही क्या करेंगे डिलीट uh, करेंगे और यहाँ पे न्यू कंटेंट को राइट कर देंगे ठीक है देन अपनी फाइल को चूज करेंगे सीक्वेंस लेंगे एंड उसको पब्लिश कर देंगे तो जो भी आपके चेंजेस हुए होंगे वो सारे आपके इसमें पब्लिश होने के बाद आपके चेंजेस आपको विजिबल हो जाएंगे ऑन द फ्रंट साइड और ऑन द होम पेज ठीक है तो ये हो गया आपका मैसेज पार्ट मैसेज पार्ट दोनों के लिए सेम रहेगा अबाउट आउट स्कूल के लिए भी प्रिंसिपल मैसेज के लिए भी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट चलेगा जो भी पूरी प्रोसेस है ठीक है नेक्स्ट चीज जो आती है वो है आपका नोटिस बोर्ड नोटिस बोर्ड के लिए आप नोटिस बोर्ड पर क्लिक करेंगे जैसे आप नोटिस बोर्ड को क्लिक करते हैं आपके पास ये ऑप्शन आता है अगर आपका कोई न्यू नोटिस है लाइक like आपका यहाँ पे जो नोटिस आता है हम फिलहाल इसको लिख लेते हैं टेस्ट थ्री ठीक है ये आपका न्यू नोटिस है कोई आप चाहते हैं आप इसमें एक फ़ाइल अटैच करें तो हम यहाँ पर चूज फाइल में जाते हैं चूज फाइल में जाकर कोई भी एक जो भी आप उसमें फ़ाइल अटैच करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे ओपन करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगी और इसे आप पब्लिश कर देंगे ठीक है जैसे आप इसे पब्लिश करते हैं तो ये यह यहाँ पर आपके पास शो कर जाएगा अगर वो आपका न्यू है तो ऑटो ऑटोमेटिकली वो इज़ न्यू हो जाता है ठीक है तो जैसे ही इस न्यू आता है हमें इसे चेक करना है हमारा नोटिस ही कैसे विजिबल होगा तो आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे जैसे ही आप वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो जो आपका लेटेस्ट होगा वो सबसे टॉप पर आपको दिखेगा ठीक है तो आपको इसमें नोटिस में सीक्वेंस डालने की ज़रूरत नहीं है डेट वाइज जो आपका सबसे लेटेस्ट नोटिस होता है वो सबसे टॉप पर ऑटोमेटिकली आ जाता है ठीक है अब जो आपके ये नोटिस बने हुए हैं जो पहले के नोटिस हैं अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो अगेन आप एडिट पार्ट पे जाओगे जैसे आप एडिट क्लिक करोगे आपका कंटेंट यहाँ आ जाता है ठीक है अब आप चाहते हो इसमें जो चेंजेस करना आपका आप इस कंटेंट में चेंजेस कर सकते हो कोई फाइल अटैच करना चाहते हो फाइल अटैच करोगे और जब भी आप एडिट करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा अपडेट पब्लिश हाईलाइट ठीक है जो तो आप जो भी आपने चेंजेस किए होंगे आप उसे अपडेट करोगे ओके okay, अपडेट करने से क्या होगा आपका जो भी आपने एडिटिंग की होगी वो सारी वहाँ पर अपडेट हो जाएगी हो सकता है कि कोई नोटिस बहुत पुराना हो गया है अब आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर विजिबल ना हो आपके स्क्रॉलिंग विंडो पे तो आप क्या करेंगे उसे यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर देंगे तो ये अगर ये डिलीट का ऑप्शन आप प्रेस करते हो आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड तो आप जैसे ही इसे ओके करते हो आपका जो नोटिस है वो ऑटोमे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा आप अगेन इसको चेक करने के लिए अपनी वेबसाइट पे जाओ उसे रिफ्रेश करो तो जैसे ही आपकी वेबसाइट रिफ्रेश होती है तो ये देखिए यहाँ से जो आपका टेस्ट थ्री वाला नोटिस था वो डिलीट हो गया ठीक है थीके? जो आपके पहले के विजिबल थे नोटिसेस ओनली वही आपको दिखेंगे यहाँ पर आफ्टर दैट जो हैव द फोटो स्लाइडर्स अब जो फोटो स्लाइडर है वो क्या है तो ये जो आपके आ, होम पेज पर ये वाली जो इमेजेस हैं यहाँ पर ये यह जो मूव कर रही है इमेजेस दे आर द फोटो स्लाइडर्स फोटो स्लाइडर्स के लिए जो मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो ये कि आप फाइव से टेन इमेजे ही फोटो स्लाइडर्स में अपडेट करेंगे इससे ज़्यादा नहीं करेंगे ऐसी कोई अ, लिमिटेशन नहीं है कि आप कर नहीं सकते आप चाहे तो जितनी मर्जी इमेज इसमें अपलोड कर सकते हैं लेकिन उससे होगा क्या जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी आपकी वेबसाइट को लोड होने में उतना ही टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट स्लो होती जाएगी इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आप फाइव टू टेन इमेजेस ही रखें फाइव टू सिक्स फाइव फाइव टू सेवन इमेजेस बहुत होती हैं बिकॉज आपके बस वेबसाइट के होम पेज में बहुत सारे एरिया है जहां आप अपनी इमेजेस को शोकेस कर सकते हैं ठीक है तो आप स्लाइडर्स के लिए फाइव से सेवन इमेजेस भी रखोगे तो वो बहुत है लेकिन जो मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो ये कि जो आपकी इमेज है इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इमेज का रेजोल्यूशन होना चाहिए इमेज बहुत शार्प होनी चाहिए विजिबल होनी चाहिए क्लियरली मतलब मैसेज सी नहीं होनी चाहिए और ब्लर्ड इमेज नहीं होनी चाहिए अदरवाइज़ क्या होगा जितनी मर्जी अच्छी वेबसाइट हो अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी नहीं होंगी तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी फिर आप बोलोगे कि किसी और स्कूल की वेबसाइट अच्छी लग रही है बट हमारी नहीं लग रही है ठीक है तो वो सारा किस पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि जब आप अपने वेबसाइट पर इमेज अपलोड करते हो तो आप कैसी क्वालिटी की इमेज़ को अपलोड करते हो ओके सो अब आपने फोटो स्लाइडर्स को फॉर्म कैसा करना फॉर्म कैसे करना है तो आप फ़ोटो स्लाइडर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर लाइक like, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक कोटेशन रखूँ ठीक है जो हमारा कोट ऑफ द डे ठीक है या तो मैं ऐसा कर देती हूँ कोट ऑफ द डे ठीक है तो ये मैंने हेडिंग दे दी स्टार्टिंग डेट में इस इसकी रख रही हूँ आज की स्टार्टिंग डेट है एंड डेट में कल के लिए रख देती हूँ बिकॉज ये डे के लिए कोट है तो आज स्टार्ट हो और ये कल छाए यहाँ से हम क्या करेंगे इमेज को सिलेक्ट करेंगे अब स्लाइडर के लिए जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो आपकी इमेज का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए फाइव इंटू टेन एंड विर्थ होनी चाहिए उसकी इलेवन हंड्रेड ठीक है देन हाइट इज फाइव हंड्रेड एंड टेन और विर्थ इज इलेवन हंड्रेड दैट इज इलेवन हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड एंड टेन तो आपने ध्यान रखना है जो भी आप इसमें इमेज अपलोड करोगे उसका साइज आप हाँ फॉर्म कर लें पहले अगर आप साइज फॉर्म नहीं करते हो तो क्या होता है आपकी जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी या तो स्ट्रेच करेगी जिससे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी लाइक like, अब मैं आपको एक ऐसे ही रैंडमली कोई भी फाइल चूज करके शो कर देती हूँ लाइक like जैसे हमने यहाँ से ये फ़ाइल ली इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया ठीक है अब ये देखिए ये जो फाइल थी इसका साइज सेट नहीं था तो ये जब मैंने स्लाइडर पर लगाई है जैसे ही मैं इसे अपलोड करती हूँ ठीक है मैंने इसे अपलोड किया तो जब मैं इसे अपने वेबसाइट पर देखूँगी तो ये मुझे कैसे शो करेगी अब ये देखिए ये थोड़ी स्ट्रेच हो गई है ठीक है अब मैं अगर इसे ओपन करती हूँ इन न्यू टैब जब मेरी ओपन होती है तो ये कैसी आ रही है ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है हम देखिए स्ट्रेच हो गई है वर्थ में ठीक है क्योंकि ये इमेज का जो साइज था वो सेट नहीं था हमने इसे सेट नहीं किया था हमने रेंडमली कोई भी स्नैप ली और उसे अपलोड कर दिया ठीक है तो अगर आप किसी भी मतलब कि मान लो अगर आप स्कूल स्टाफ की फ़ोटोग्राफ है आप उसको एज इट इज़ ही अपलोड करते हैं तो वो भी क्या करेगी स्ट्रेच कर जाएगी जैसे ही वो स्ट्रेच होगी उससे क्या होगा कि जो फेसेस होंगे वो स्ट्रेच कर जाएंगे जब फेसेस स्ट्रेच हो जाएंगे तो वो आपकी फ़ोटोग्राफ अच्छी नहीं लगेगी कोई भी आपका उसमें रिकोगनाइज नहीं हो पाएगा कि ये किसकी फोटोग्राफ थी तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या करेंगे फोटो स्लाइडर्स के लिए ऐड करेंगे तो आपने हमेशा क्या करना है फोटोग्राफ का साइज़ पहले फॉर्म करना है एलेवन हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड एंड टेन उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे फाइल को चूज़ करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो जैसे ही आप फाइल चूज करते हैं वो आपके पास यहाँ पर एज अ डेमो शो करते हैं और उसे आप अपलोड कर देते हैं ठीक है अब अगर कोई पहले से स्लाइडर आपके पास है आप तो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे आप यहाँ से ये एडिट पे जाओगे आप एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप पे जितने भी स्लाइडर्स लगे होंगे उन वो सारे आपको ऐसे विजिबल होंगे ठीक है अब इन स्लाइडर्स में आपको ये स्लाइडर पसंद नहीं आ रहा है कि ये अच्छे से अपलोड नहीं हुआ है आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली इसे डिलीट कर सकते हो या फिर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट पर क्लिक करोगे एडिट पर करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है एडिटिंग पे आपके पास ये ऑप्शन है कि जब आप यहाँ पर जो आपने फाइल चूज़ की थी आप उसको हटा कर यहाँ न्यू फाइल अपलोड कर सकते हैं सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट को चेंज कर सकते हो ठीक है और जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको आप अपडेट कर दोगे तो वो आपकी सारे चेंजेस अपडेट हो जाएंगे ठीक है लेकिन अब लेकिन आप चाहते हो अब आप चाहते हैं कि आपने क्या करना है आपको ये स्लाइडर चाहिए ही नहीं है आप इसको डिलीट करना चाहिए तो डायरेक्ट आप क्या करोगे इसे यहाँ से डिलीट कर दोगे तो वो स्लाइडर आपका रिमूव हो जाएगा जैसे आप डिलीट करते हो कोई भी चीज़ यहाँ बैक एंड से वो फ्रंट एंड से आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है ठीक है? The, आपके पर कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट इज द पेज नोटिफिकेशन अब ये जो पेज नोटिफिकेशन है इसका क्या यूज है मानो आपके स्कूल में कोई फेस्ट है या फिर कोई न्यू एडमिशन स्टार्ट होने वाली है या फिर आप ओलंपियाड्स करने वाले हैं अपने स्कूल में या आप कोई न्यू मैसेज है जो आप देना चाहते हैं सबको और आप चाहते हैं कि जो भी आपका स्कूल हो जैसे ही कोई भी आपके स्कूल वेबसाइट को विजिट करे सबसे पहले वो मैसेज उस तक पहुंचे तो आप उसके लिए क्या करेंगे पेज नोटिफिकेशन बनाएंगे अब ये जो पेज नोटिफिकेशन है ये आपको कैसे शो करती है ठीक है तो आप क्या करेंगे पेज नोटिफिकेशन का एक टाइटल देंगे लाइक मैं यहाँ दे देती हूँ गर्ल्स जुडो टूर्नामेंट ठीक है इसकी इसकी जो डिटेल्स होंगी वो हम यहाँ देंगे फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स देने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टूर्नामेंट गर्ल्स ठीक है अब जो भी इसमें आपको डिटेल्स देनी है कि आपका जो टूर्नामेंट है वो कहाँ हो रहा है उसकी कितनी फीस है उसमें आपने एडमिशन लेनी है तो कैसे लेनी है तो ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं ठीक है इसमें सारा आपने आ, उनका कंटेंट ऐड करना है कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे अगेन पिक्चर पे आओगे फाइल मैनेजर से अपनी पिक्चर पिक्चर को पिच्चर के को के पाथ कॉपी करोगे और अपने इसमें वो फोटोग्राफ में पेस्ट कर दोगे आपके पास इसकी लेंथ एंड विड्थ आ रही है अगेन अब इलेवन हंड्रेड अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा है तो आप इसको सिक्स हंड्रेड कर दोगे हाइट वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा इसको आप ओके करोगे तो ये आपका फोटोग्राफ लग गई है ठीक है अब ये जो है आपका मतलब ये आपकी हेडिंग है इसको आप क्या करना चाहते हो थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हो साइज कर दो आप इसको सेंटर में ले दो ठीक है अब यहाँ पे अगर आपने इसके साथ कोई इसका फॉर्म देना है चलो लाइक हम दे देते हैं इसका एक एडमिशन फॉर्म ठीक है एडमिशन के लिए जो फॉर्म होगा आपका वो एडमिशन फॉर्म जो है आपका अब आपने क्या करना उस एडमिशन फॉर्म पे क्यू आर एल लगाना आगे आप इसे सिलेक्ट करेंगे लिंक पर जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे लिंक अटैच करोगे अगेन और मैं अगेन ना आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जैसे हमें ये वेबसाइट का ही लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया अगेन याद रखने वाली चीज़ टारगेट आप करोगे इसका टारगेट हम रखेंगे न्यू विंडो और इसे हम ओके कर देंगे ठीक है अब आपका जो और टूर्नामेंट है वो कब से स्टार्ट होना फॉर एग्जाम्पल वो आप मान लो कि ट्वेंटी फर्स्ट को स्टार्ट होना है और वो ट्वेंटी सिक्स को ओवर हो जाएगा और इस इन चेंजेस को हम क्या करें सेव कर रहे हैं जैसे ही आप इसे सेव करते हो अभी आपने चेक करना है कि आपका शो कहाँ पर देगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे अपनी वेबसाइट पर जाओगे वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करोगे जैसे आप वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर ही यह आपका एज आ वॉपअप शो करता है इसे शो करता है लाइक like जैसे आपका सॉरी लाइक like आपने ये एक हमारे पास एक स्कूल है इन्होंने क्या किया है ये इनको इनकी वेबसाइट को अगर मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ तो इनका जो पॉपअप है इन्होंने जो पेज नोटिफिकेशन है ये बहुत अच्छे से लगा है लाइक देखिए ये एक इनके एक एडमिशन फॉर्म निकला है जिसमें आपसे नर्सरी से क्लास टू के लिए एडमिशन ओपन हुई हैं इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो ये एज अ पॉपअप अप आपका दिखता है ये पॉपअप अगर आपको फॉर्म करना है उसके लिए आप क्या करेंगे

अपडेट कर देंगे ठीक है ये हमारे कुछ आ, जो क्विक लिंक्स है ये फॉर्मड हैं ठीक है थीके? इन्हें आप क्या करेंगे यहाँ से एक्टिव और इनएक्टिव कर देंगे कि कौन से वहाँ पर शो होने चाहिए और अगर कोई ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए लाइक ये टेस्ट है हमें नहीं चाहिए हम इसे डिलीट कर देंगे जो हमें च, जो हमें चाहिए उसे हम रखेंगे जो नहीं चाहिए उसे हम इजिली डिलीट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ से आपके क्विक लिंक्स ऐड होते हैं

यहाँ से आप क्या करेंगे फाइल को चूज करेंगे जो भी आपकी फाइल होगी उसको जस्ट लाइक दिस वन इसको आपने चूज किया ओपन की एंड आप इसे अपलोड कर देंगे जैसे आप इसे अपलोड करते हैं तो वो आपकी यहाँ पे फाइल मैनेजर में एड हो जाती है ठीक तो uh, है एंड जो भी आप लेटेस्ट फाइल अपलोड करते हैं वो हमेशा सबसे टॉप पर आपके पास आ जाती है ओके देन नेक्स्ट इज द स्कूल हाई स्कूल हाई में क्या है आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे आपकी वेबसाइट पर ये वाले प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो गैलरी ऑब्जेक्टिव ये जो आपके पांच चीजें हैं ये हैं आपके स्कूल हाइलाइट्स स्कूल हाइलाइट्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे जो देना चाहें जो बटन आप देना चाहें वो देंगे आपका सिर्फ क्या होगा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं सिर्फ आप जो बटन यहाँ शो करना चाहते हैं आप उन्हें सिलेक्ट करोगे और ये अपने अकॉर्डिंग उसका कलर और ये आइकन्स उसके ऑटोमेटिकली वहाँ आते रहेंगे आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है करना क्या है आपने बैक से आपने स्कूल हाइलाइट्स को क्लिक करना है स्कूल हाइलाइट्स आपका एज अ स्कूल ओवरव्यू शो करता है इसमें आपके कोई भी पांच हाइलाइट्स आप शो कर सकते हो लाइक like अभी आपके ये वाले पांच लगे हैं ठीक है मैं चाहती हूं कि मुझे आगे वीडियो गैलरी भी नहीं चाहिए है और मुझे प्राइमरी विंग भी वहाँ पर नहीं चाहिए है ठीक है मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ मैं चेंज क्या, क्या चेंज करना चाहती हूँ वहाँ पर एक तो मैं वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना चाहती हूँ तो जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ चाहती हूँ वहाँ पर पे ऑनलाइन फीस का बटन भी शो करे तो इसको भी मैं ओके okay करूँगी अब मुझे चेक करना है कि ये आए हैं या नहीं तो हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे जैसे ही हम वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे ये दोनों बटन यहाँ पर आ गए फर्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेकेंड इज द पे ऑनलाइन फीस तो ये हाईलाइट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप मंथली बेसिस पे से रोटेट करते रहें आप इनको चेंजेस करते रहें कभी यहाँ पे कोई बटन्स रखें कभी कोई बटन्स रखें ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करे जो रेगुलरली विजिट करें उनको लगे कि नई वेबसाइट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ठीक है थिके? देन आफ्टर द स्कूल हाई लाइट इज द ट्रांसफर सर्टिफिकेट अब जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है ये बहुत मैंडेटरी है सीधे से इसके लिए कि आपके स्कूल वेबसाइट पर हर बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज आपने क्या करना है इसका जो आप नेविगेशन बनाओगे जब भी आप उसकी न्यू जब आप उसकी नेविगेशन फॉर्म करोगे न्यू नेविगेशन में जाओगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर टाइटल दोगे ट्रांसफर uh, सर्टिफिकेट इसका पोजिशन लोगे टॉप पेरेंट जिस अगर आप किसी मेन्यू के अंडर इसे लेना चाहते हो लाइक आप एकेडमिक्स ले सकते हो एडमिशन के अंडर ले सकते हो यहाँ पर जो मेन चीज है आपने क्या करनी है नेविगेशन टाइप में उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आप यू लगाओगे और इसका यू हमेशा क्या लगेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट ठीक है ये हमेशा आपका यू आर एल आपने यहाँ पर पेस्ट करना है जब भी आप ये यू आर एल यहाँ पे पेस्ट करोगे उसके बाद ही आपका वो वहाँ पर ओपन होगा ओके तो यहाँ पे आप यू को डन कर दोगे और इसको क्रिएट कर दोगे जब आपकी नेविगेशन क्रिएट हो जाती है उसके बाद आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे आते हो तो यहाँ पे जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है इसमें आपने क्या करना है इसमें आप बच्चे की क्लास डालोगे एडमिशन नंबर डालोगे उसका टी का नंबर डालोगे स्टूडेंट का नेम डालोगे और यहाँ पे उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट की फाइल को चूज़ करोगे जो रिमार्क्स आप देना चाहते हैं स्टूडेंट को वो रिमार्क्स यहाँ पे डालोगे और उसे सेव कर दोगे ठीक है एक चीज जिसमें और है अब आपकी जो क्लास है अब यहाँ पे आपके पास क्लास आने भी तो चाहिए ना वो क्लास आप कहाँ से क्रिएट करते हो उसके लिए आप क्या करोगे स्कूल सेटअप में क्रिएट क्लास पर जाओगे यहाँ से आप क्या करते हो अपनी क्लास को क्रिएट करते हो तो यहाँ पे लाइक आप लिखोगे क्लास ठीक है और इसे आप सेव करते हैं। बस आपने जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आप हर चीज का जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल सेम रखोगे लाइक दिस क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री एंड सो ऑन यहाँ से आप अपनी सारी क्लासेस फॉर्म कर लेते हो जो जो फिर आप, आपको कहाँ पे यूज होगी इन योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओके